बच्चे हैं, काम करते हैं, एक आता था यहाँ लड़का, अच्छा, और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल डीजी शाह एक्सरे फूडी में। तो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ तिलक नगर शिवाजी मार्केट में, और यहाँ पे हम आए हैं एक सुपर अंकल के पास जो बहुत टाइम से यहाँ पे एक कार्ट लगा रहे हैं। और इन्होंने एक कहानी बताई है, एक जज्बा बताया है कि एज कोई मैटर नहीं करती है। तो इसी जज्बे के साथ आइए चलते हैं और बात करते हैं सर से कि वो कब से कार्ट लगा रहे हैं, बाबू जी यहाँ पे कब से कार्ट लगा रहे हैं, और उनके कार्ट का जो कचौड़ी है वो भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। नमस्कार बाबूजी। बाबूजी आपका नाम? श्री अर्जुन दास। क्या? अर्जुन दास। अर्जुन दास। सो बाबूजी, आप यहाँ पे कब से लगा रहे हो कार्ड? 1982 से। 1982 से इसी प्लेस पे? इसी प्लेस पे। तो आप यहीं पे रहते थे या यहीं पे रहते हैं? यही किलो डेढ़ किलोमीटर दूर है मकान हमारा। अच्छा, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको ये मतलब मोट कचौड़ी बनानी है? ये हमारा काम पाकिस्तान मुल्तान में हमारे बाप दादा करते थे। अच्छा, तो उन्हीं से आपने सीखा ये? अच्छा, तो वही आप परंपरा चलाते हुए आ रहे हो यहाँ पे? वही चला रहे हैं परंपरा। तो आपके कोई बच्चे बच्चे कोई है नहीं जो आपकी हेल्प करने को? बच्चे हैं, काम करते हैं, एक आता था यहाँ लड़का, अच्छा, थोड़ा उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, और आप उसकी एक दो महीने छुट्टी? अच्छा अच्छा। एक बच्चा और है, नौकरी करता है अपना। अच्छा, तो ये का बात है। तो बाबू जी, आपके यहाँ पे बिक्री हो जाती है पूरी? हो जाती है बिक्री। आजकल लॉकडाउन बीमारी का चक्कर है, हाँ, काम थोड़ा ढीला हो गया। अच्छा, लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा था। अच्छा, दो हेल्पर भी थे मेरे पास। ओहो, अब तो हेल्पर भी रखते नहीं, बंद कर दिए। अच्छा अच्छा। तो उनकी इनकम हो तो उनको कमाई दे, दिहाड़ी दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि ये चटनी है, इस चटनी में आप क्या क्या डालते हैं? चटनी में पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्च है। अच्छा, और इसके अंदर काला नमक है। अच्छा अच्छा। और जो ये आपके अंदर मुकस्सर होता है बगैर गुठली बीज वाला? अच्छा, इमली होती है बगैर बीज वाली। अच्छा, 200 रुपए किलो आती है। अच्छा अच्छा। वो डलती है, वो इसको खट्टा करती है। अच्छा, और जो आपने ये इसमें मोट की जो मतलब ये वो होती है सब्जी, उसमें क्या डालते हो? इसके अंदर सिर्फ नमक होता है सब्जी के अंदर? हाँ, क्या होता है और क्या होता है इसमें? सिर्फ नमक और मोट, मोट और की पानी डलता है बस। अच्छा, मोट की उबाल देते हैं बस, और कुछ नहीं, घी भी कुछ नहीं होता है इसमें। अच्छा, मोट की दाल उसको उबाल देते हो, नमक डाल के बस? अच्छा। हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो भाई, आप बता रहे थे मुझे आप कहाँ से आते हैं? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। और हिसार मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मोट मेरा गांव है। मोट में? हाँ, आपका गांव है। हाँ, अच्छा। ये मोट का चोड़ी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं एक महीने से डेली आ रहा हूँ यहाँ पे, डेली खाता हूँ। और यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ तिलक नगर में रहता हूँ, बैक में साइंस सोसाइटी में। अच्छा, तो मोट कचौड़ी यहाँ पे और भी मिलती होगी, तो आप यहाँ क्यों आते हो? और भी मिलती है, पर मेरे को इनको इनकी जो कचौड़ी है उनमें ज्यादा टेस्ट आता है। आप कंटिन्यू एक महीने से खा रहे हो? हाँ जी, एक महीने तो से डेली। ऐसा नहीं लगा कि भाई ये तो मैं बहुत खा के अब उब गया हूँ? नहीं 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 नहीं, डेली आता हूँ मैं। डेली पसंद आना? हाँ, मेरे को इनका टेस्ट बहुत आता है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे इनकी। थैंक यू। ओहो गाइस, ये आ चुका है हमारे हाथ में प्लेट, और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। खा के बताते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया गाइस। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं तिलक नगर में, तो प्लीज़ एक बार आइए और ख़ुद चेक करिए। बहुत बढ़िया टेस्ट है इनके हाथों में। जो इनकी दाल है बहुत अच्छे से बॉयल है, और जो कचौड़ी हैं वो भी बहुत क्रंची है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है आइटम।
आप अगर आसपास नहीं रहते तो प्लीज़ एक बार आइए और चेक करिए, और अगर आप यहाँ पे नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।